काना तू आ जावे तेरी याद सताती है, तेरी याद सताती है। जावे तेरी याद सतांदी ए, तेरे बाजो दिन नहीं लंघदा, घर आ जा परदेसी सजना, जा परदेसी सजना, घर आ जा परदेसी सजना। तेरे बाजो दिन नहीं लंघदा, घर आ जा परदेसी सजना, घर आ जा परदेसी सजना, घर आ जा परदेसी सजना। दुख दूरों नहीं मुकदे, नेड़े होया मुकदे। काना तू आ जावे तेरी याद सताउंदी ए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इलाज काना अपनी जुदाई दा, चोट लगी है दिल ते डाडी, सजना जिंदगी रुल गई साडी। तुसी हाल नहीं पुछदे ना अथरू रुकदे, तुसी हाल नहीं पुछदे ना अथरू रुकदे। जलवों से तेरे जलाई गई हूँ,
मेरे हाल दिल पे ऐ हंसने वालों, मैं ऐसी नहीं थी बनाई गई हूँ, मैं ऐसी नहीं थी बनाई गई हूँ, मैं ऐसी नहीं थी बनाई गई हूँ। जिस दिन दा माही बिछड़ गया मैनू सौन दे चेते भुल गए ने, ऐसे चल पे वार रखी पाने भूल गए ओ वादा कर गया, ओ वादा कर गया आने दा, ना आप आए दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, ये चांद भी निकले फीका, ये चांद भी निकले फीका, ये चांद भी निकले फीका फीका, तारों ने चमकना छोड़ दिया, देखिए मैं आप साजन तुम्हें पुकारा प्यारे, साजन तुम्हें पुकारा।
तारा प्यारे मन में भाव उभारा प्यारे मन में भाव उभारा प्यारे मन में भाव उभारा कितनी बार हरी आँखों ने कितनी बार हरी आँखों ने तेरा पंख निहारा रे तेरा पंख निहारा किंतु सखे तेरी नैन कोरता किंतु सखे तेरी नैन कोरता इक ना हुआ इशारा इक ना हुआ इशारा सांवरिया 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 ऐसी तान सांवरिया ऐसी तान सुना सांवरिया ऐसी तान सुना सांवरिया ऐसी तान सुना ओ मैं नाचूं श्रीराज मैं नाचूं तू का सांवरिया मैं नाचूं तू का सांवरिया की बार बहे इस जग में जिनको भगत माल की कथा में आनंद आया हो थोड़ा सा भी वो जरा खड़े हो जाओ अरे ठाकुर के दरबार में आए हो हाजी लगाओ क्योंकि कन्हैया की बांसुरी सुनकर के तो ब्रिज के मोर पशु पक्षी सब नाचते थे अरे आप तो मनुष्य हो फिर भी आपका अगर मन में नाचने का भाव ना इससे बड़ा दरबार क्या हो सकता है रस की धार बहे इस मन में 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 अनुपम प्यार 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 बहे इस मन में हर एक हर एक प्राण पुकारे प्रीति हर एक प्राण पुकारे पीपी हर एक प्राण पुकारे प्रीति ऐसी तार हिला सांवरिया 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 ऐसी तान सुना सांवरिया ऐसी तान सुना सांवरिया ऐसी तान सुना सांवरिया नाचूं तू का सांवरिया मैं नाचूं तू का सांवरिया मैं नाचूं तू का सांवरिया मैं नाचूं तू का सांवरिया सांवरिया जय हो सांवरिया ऐसी तान सुना सांवरिया ऐसी तान सुना सांवरिया ऐसी तान सुना सांवरिया ऐसी तान सुना Thank you.
नैनन हो भाव सुवन का पग पग फिर उठे जीवन का पग पग उठे उठे जीवन का पग पग फिर उठे जीवन का पग पग फिर उठे जीवन का अरे रसिकों की रसकों की पदरज मस्तक के रसकों की पदरज मस्तक के रसकों की पदरज मस्तक के रसकों की रस भगवन के देवे लेख मिटा समरिया जय हो समरिया जय हो समरिया ऐसी तान सुना समरिया ऐसी तान सुना समरिया ऐसी तान सुना समरिया समरिया ऐसी तान सुना समरिया ऐसी तान सुना अरे हर जा तेरा रूप निहारू हर जा तेरा रूप निहारू हर जा तेरा रूप निहारू सोवत जागत तुम्हें पुकारू सोवत जागत तुम्हें पुकारू हरिहर हरिहर मन की कुटलाई हरिहर मन की कुटलाई हरिहर मन की कुटलाई हरिहर मन की कुटलाई प्रेम की ज्योत जगा समरिया ओहो समरिया समरिया ऐसी तान सुना समरिया ऐसी तान सुना बेला चू तू का समरिया बेला चू तू का समरिया समरिया ऐसी तान सुना जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम कान्हा तू आ जावे तेरी याद सतांदी सिर्फ पांच मिनट और शेष है सभी प्रसाद लेकर के जाएं अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं ऐसी करुण पुकार सुनकर के मेरे श्री हरि के नेत्रों में आज अश्वन की धार बह उठी राधे 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 कि आप बात करते हो मेरा ध्यान पलट जाता है कहना कुछ और चाहता हूँ मुंह से कुछ और निकल जाता राधे राधे ऐसी करुण पुकार करी अपने उस बालक को श्री हरि के चरणों में रख दिया कि प्रभु ये बालक आपका है यदि आज इसका नामकरण नहीं हुआ तो मैं इस बालक को हाथ तक नहीं लगाऊंगा सात दिन का वो बालक नन्ना सा मासूम जिसकी अभी नेत्र भी नहीं खुले जिसने अभी संसार नहीं देखा आज वो कैसे दहलीज पर आ गया आज वो कैसे दहलीज पर आ गया करुण पुकार कर रही है गोराई अगर तेरे दर पे सुनवाई ना होती प्रभु मैंने सुना था कि आप हर किसी की झोली भरते हो मैंने तो ऐसे ही भाव आ गया और आपसे निवेदन कर दिया एक बालक की पुकार के लिए आपने मेरी झोली भरी है अब इसको मंजिल तक पहुंचाइए प्रभु
कि अगर तेरे दर पे सुनवाई ना होती, अगर तेरे दर पे सुनवाई ना होती तो चल के ये हलकत भी आई ना होती, गर एक की भी झोली भरी ना होती, गर एक की भी झोली भरी ना होती, प्यारे मैंने भी झोली फैलाई ना होती। कल पुकारे कर रही है गोराई की, प्रभु आपने यदि एक की भी झोली नहीं भरी तो मैंने आपके दरबार में मैं झोली नहीं फैलाती। आप मना कर देते हैं, पर मैंने सुना है आपसे जो कोई मांगता है आप उसको वह वर देते हैं। मैंने तो ऐसे ही आपसे कह दिया ये बालक दिया है तो इसका नामकरण हो। इतनी देर में गड़गड़ाट हुई बादलों की, बिजली चमकने लगी और एकदम से मेरे प्रभु वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा गोराई तू चिंता मत कर, इसका यदि कोई ब्राह्मण नामकरण नहीं करता तो इसका नामकरण आज इसका पिता होने के नाते मैं करता हूँ। इसका नाम एक देव रख रहा है तो इसलिए इसका नाम है श्री नामदेव। बोले श्री नामदेव जी महाराज की। आज उस बालक का नाम हुआ है श्री नामदेव जी। प्रभु ने स्वयं रखा उस बालक का नाम, नाम हुआ नामदेव। के इश्क के रिश्ते कितने अजीब होते हैं, दूर रहकर भी कितने करीब होते हैं। मेरी बर्बादी का गम ना करो, ये तो अपने अपने नसीब होते हैं। कोई बात नहीं प्रभु, आज जमाना कुछ भी कहे, मुझे आज ये प्यार का सौदा स्वीकार है, आज से मैं इसको नामदेव कह करके ही पुकारूंगा। आई नामदेव जी का नामकरण हुआ है और नामकरण के समय मिठाई बनती है, मिठाई बटती है और आज की मिठाई, आज का भोग, मैं तो राजभोग कहूंगा इसको। ठाकुर को अनेक प्रकार के भोग लगते हैं, बाल भोग, राज भोग। आज का प्रसाद श्री अनेजा जी के द्वारा, मैं तो बिट्टू भैया नाम जानता हूं, पूरा नाम तो मुझे पता नहीं, बिट्टू भैया ही है ना, बिट्टू अनेजा जी के द्वारा आज का प्रसाद। ये मानिए कि आज नामकरण का प्रसाद श्री बिट्टू अनेजा जी के द्वारा आज प्रभु को भोग लगा है और आप सब में वितरण होगा। आप सभी इस प्रसाद का आनंद लें और कल आगे की कथा में आप सभी सुनेंगे किस प्रकार नामदेव जी का जीवन आगे बढ़ा, किस प्रकार 172 बार दर्शन मेरे ठाकुर के नामदेव जी को हुए। लेकिन यहां से उठने से पहले आप सबको एक वादा करना है। हम सबको मेरे ठाकुर ने कितने हाथ दिए हैं? दो। आपको यदि मैं कहूं कि एक कार्य है आपको करना है, उस कार्य से आपको यदि उस मनुष्य को 1,00,000 रुपए प्राप्त होंगे तो उसमें से 10,000 आपके हैं। चैन बनाने वाला सिस्टम जो आजकल गति से है, और दो व्यक्ति यदि आपने इस सर्कल में बना दिए उनको 1,00,000 मिलेगा और आपको 20,000 मिल जाएंगे, तो ये सौदा आपको स्वीकार होगा। रे लागत तो कुछ है ही नहीं, किसी को ही तो लगाना है।
तो ऐसा ही अवसर मेरे ठाकुर ने भी आपको दिया है, दो भुजाएं दी हैं। कल आते समय कम से कम दो व्यक्ति को हाथ पकड़ के इस आनंदमयी भक्तमाल कथा में लेकर के आइए, उनका भी पुण्य आपको 10-10% मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। और आप ठाकुर से वादा करिए कि हाँ ठाकुर जी, हम आपके नाम का आनंद औरों तक भी पहुंचाएंगे। ना जाने आपके कारण ऐसा व्यक्ति यहाँ आकर के बैठ जाए जिसकी तार करतार से डायरेक्ट जुड़ी हो, और ना जाने ठाकुर शायद उसी की ही पुकार सुन करके यहाँ आप सभी को दर्शन देने आ जाएं। प्यारे जरा हाथ उठा करके ठाकुर जी से वादा करते हुए बोले, बाकी बिहारी लाल की जो बस में आए हैं वो वादा कतई ना करें, कहाँ ढूंढोगे भैया, घाट पर जाओगे क्या? बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज जी, क्योंकि अभी अभी श्री नामदेव जी का नामकरण हुआ है और नामकरण के समय तो बधाई बाजती है, तो क्यों ना बधाई महोत्सव हो जाए। आइए बधाई गायन के साथ।